स्वागत है आपका फिर से नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। जी हाँ, वैसे तो हमने बॉलीवुड के महानायक की कई कॉन्ट्रोवर्सी सुनी, वैसे हमारे सामने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की कई ऐसी बातें और कई ऐसे सीक्रेट सामने आ चुके हैं जिसे सुनकर दुनिया वाकई काफी हैरान हो गई थी। लेकिन आपको बता दें, एक ऐसी बात जो शायद ही किसी को पता हो, आज हम आपको इस रिपोर्ट में उसी टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, उसी एक ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी, एक ऐसी लाइफ से जुड़ी बात के बारे में बताने वाले हैं जो शायद ही आपको पता हो। उससे पहले आपको बता दें कि हाल ही में अमिताभ बच्चन का जन्मदिन गया है और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। वहीं अमिताभ बच्चन के मंदिर में भी इस बार जन्मदिन कोरोना काल की वजह से काफी अलग तरीके से मनाया गया। वहां पर भी इस बार ज्यादा शोर शराबा नहीं देखा गया। वहीं आपको बता दें, हर साल अमिताभ बच्चन अपना जन्मदिन काफी उत्साहित होकर मनाते हैं और काफी खुश होते हैं। लेकिन आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। एक वक्त तो वैसा था जब अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में फ्लॉप होती थी, उनकी एक भी फिल्म कभी हिट नहीं होती थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जिसके बाद अमिताभ बच्चन आज भी हमारी दुनिया में, आज भी बॉलीवुड की दुनिया में महानायक है, नंबर वन हीरो है, उनकी एक्टिंग का क्या कहना। वहीं आपको बता दें, अमिताभ बच्चन अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, सबसे ज्यादा अपने पिता से प्यार करते थे। उनके पिता उन्हें जो कह दे वो उनकी बात जरूर पूरी करते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन को नहीं पता था इतनी मेहनत के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद वो बॉलीवुड के महानायक बन जाएंगे। वहीं आपको उनकी लव लाइफ और उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हो रखी है। लेकिन आप सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार का। जी हाँ, रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। रेखा अमिताभ बच्चन से कितना प्यार किया करती थी, लेकिन कुछ वजह ऐसी रही जिसकी वजह से अमिताभ रेखा को अपना प्यार खुलेआम नहीं दिखा सके। वो वजह रही जया बच्चन। लेकिन क्या आप जानते हैं, रेखा और जया बच्चन से पहले भी अमिताभ बच्चन की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे अमिताभ बच्चन बहुत प्यार करते थे। बॉलीवुड की दुनिया से बहुत दूर अमिताभ बच्चन की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे अमिताभ बच्चन शादी तक करने वाले थे। आज हम आपको इस रिपोर्ट में उन्हीं के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने कुछ दिनों पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था। इसमें पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, अमिताभ की लाइफ के बारे में जानने के लिए अक्सर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। चलिए आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। बता दें, अमिताभ बच्चन ने शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद के सेंट मैरिज स्कूल से की थी। एक दिन उन्होंने हिंदी स्कूल की दीवार पर पेंसिल के कुछ निशान बना दिए थे। इसे देखकर स्कूल के प्रिंसिपल इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने अमिताभ की हथेलियों पर कई बार डंडे बरसाए थे जिससे लाल निशान बन गए थे। जब अमिताभ घर आए तो ये बात उनके पिता को पता चली तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और भी स्कूल जाकर प्रिंसिपल को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं आपको बता दें, एक बार अमिताभ के पिता हरिवंश राय लंदन जा रहे थे, तभी अमिताभ ने उनसे कहा लौटते समय उनके लिए एक राइफल लेते आए। जब पिता ने उनसे पूछा कि राइफल का वो क्या करेंगे तो अमिताभ ने कहा कि उससे वो चिड़िया को मारेंगे। पिता ने पूछा कि चिड़िया को क्यों मारोगे तो उन्होंने कहा कि बस मेरा मन है जिसके चलते मैं ये सब काम करूंगा। अमिताभ के करियर की बात करें तो अमिताभ बच्चन एक्टर ही नहीं बल्कि इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को और कुछ ही मंजूर था। अपने संघर्ष के दिनों में अमिताभ ने कई रातें मुंबई के मरीन ड्राइव के पास रखी बेंच पर निकाली थी। वहीं आपको बता दें कि आज भी वो उस जगह के आसपास जाकर बैठते हैं और कई बार इमोशनल हो जाते हैं। उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया जो कि फ्लॉप साबित हुई,
फिल्म जंजीर। उससे पहले उनकी 12 फिल्में फ्लॉप हुई थी, मगर उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। आज बॉलीवुड की शहनशाह है। अमिताभ का फेवरेट नाम है विजय। उनकी 20 फिल्मों में उनके करेक्टर का नाम विजय ही था। हालांकि ज्यादातर लोग ही एक बात को जानते हैं जो आज हम आपके सामने उनकी जिंदगी से जुड़ा एक और किस्सा बताने वाले हैं। शायद ही कोई जानता होगा कि उनकी जिंदगी में, अमिताभ की जिंदगी में रेखा और जया की जगह और कोई लड़की भी आई। जी हाँ, इनसे पहले एक और लड़की थी। आप तो सिर्फ इतना जानते होंगे कि इनकी जिंदगी में रेखा और जया ही आई, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रेखा और जया बिग बी का पहला प्यार नहीं थी। इन दोनों से पहले अमिताभ किसी और को अपना दिल दे चुके थे। खबरों की माने तो अमिताभ एक महाराष्ट्रीय लड़की उससे प्यार करते थे। अमिताभ बच्चन शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई और बाद में उस लड़की ने किसी और के साथ शादी कर ली, क्योंकि उस लड़की के घर वालों ने फोर्स किया। और कहा जाता है कि वही लड़की रही जिसकी वजह से आज अमिताभ बच्चन इतने बड़े मुकाम पर हैं। आज अमिताभ बच्चन जो इतने हिट हैं, इतने पॉपुलर हैं, वो भी सिर्फ उसी लड़की की वजह से। वो अपनी ज़िंदगी में हीरो तो बनना चाहते थे, लेकिन महानायक इनको उसी लड़की ने बनाया, क्योंकि उसके परिवार वालों ने कहा कि ये एक फ्लॉप एक्टर है और ये बॉलीवुड में कुछ नहीं कर पाएगा, जिसके चलते उस लड़की की शादी कहीं और करा दी गई। लेकिन आज अमिताभ भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और एक बॉलीवुड के महानायक हैं। जैसा कि आपने देखा, उस महाराष्ट्र लड़की से अमिताभ बच्चन कितना प्यार करते थे। जी हाँ, ये तब की बात है जब अमिताभ बच्चन अपना स्ट्रगल कर रहे थे, तब वो लड़की उनकी ज़िंदगी में आई। और अमिताभ बच्चन की किताब में भी अमिताभ बच्चन ने उस लड़की का जिक्र किया हुआ है। अमिताभ बच्चन ने उस लड़की के बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन एक वजह ऐसी रही जो उस लड़की का परिवार, जिस समय अमिताभ बच्चन इतना स्ट्रगल कर रहे थे और उनको कोई नहीं जानता था, उस दौरान लड़की के परिवार ने भी सोचा कि शायद अमिताभ बच्चन उनके काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अमिताभ बच्चन अपने करियर में कुछ भी नहीं करते, जिसके चलते उनके परिवार ने उस लड़की की शादी कहीं और करा दी। वहीं आपको बता दें कि रेखा और अमिताभ बच्चन भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन को कभी अपना सच्चा प्यार नहीं मिला, लेकिन जया बच्चन अमिताभ बच्चन से दिल से प्यार करती थी, वो उनकी इज्जत करती थी। शायद यही वजह रही कि आज हम अमिताभ बच्चन को जया बच्चन के साथ देखते हैं, ना कि रेखा के साथ देखते हैं। वहीं रेखा के घर तक पहुंच गई थी जया बच्चन। जी हाँ, अपने पति को ऐसे रिश्ते से बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए एक बार जया बच्चन ने रेखा के घर पर जाकर उसको इनवाइट किया कि तुम मेरे घर जरूर आना। जब रेखा जया बच्चन के घर पहुंची, उन्होंने अच्छा खासा साथ में समय बिताया, जिसको देखकर अमिताभ बच्चन काफी खुश हुए थे। वहीं अच्छा खासा समय बिताने के बाद जया बच्चन ने रेखा को बस एक बात कही कि मेरे पति से दूर रहो, मैं अपने पति से कभी जिंदगी में भी तलाक नहीं लूंगी। जिसको सुनने के बाद रेखा ने अमिताभ बच्चन से ब्रेकअप कर लिया और अपनी जिंदगी में खुश रही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर। धन्यवाद।